पहले टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट करके गाड़ियां निकल जाती थी, फिर उसके बाद फास्ट टैग सिस्टम लॉन्च किया गया। इसे लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारी की गई, लेकिन अब यह फास्ट टैग सिस्टम भी बंद होने के कगार में पहुंच सकता है। सरकार अब पूरी तरह से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। यह यूरोपीय देशों में शुरू हो चुकी है। जर्मन और रूस जैसे देशों में इसी सिस्टम के जरिए वसूली हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार वाहनों से टोल टैक्स की वसूली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से करने की तैयारी में है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी हाईवे पर जितनी किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से टोल की राशि लगती है। यूरोपीय देश में इस फार्मूले को सफल होता देख भारत में भी लागू किए जाने पर विचार विमर्श जारी है। केंद्र सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। ट्रायल में देश भर की 1.37 लाख गाड़ियों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में 38,680, दिल्ली में 29,705, उत्तराखंड में 14,401, छत्तीसगढ़ में 13,592, हिमाचल प्रदेश में 10,824 और गोवा में 9,112 वाहन ट्रायल में शामिल किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और लद्दाख में अभी सिर्फ एक वाहन पर यह ट्रायल चल रहा है। केंद्र सरकार रूस और दक्षिण कोरिया के कुछ विशेषज्ञों की मदद से एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि नया सिस्टम को लागू करने से पहले परिवहन नीति में भी बदलाव करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स की टीम बदलाव करने के लिए जरूरी पॉइंट तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में इस पर रिपोर्ट आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।